शिबली नेशनल कॉलेज में गांधी जयंती मनाई गई। गांधी जी के विचारों और दर्शन पर हुई चर्चा। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां शिबली कॉलेज जो 1883 से स्थापित है, आजमगढ़ और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा और समाज सेवा के लिए जाना जाता है। यह संस्थान न केवल प्राइमरी से पीएचडी तक की उच्च शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि छात्रों के चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कॉलेज में खेल, एनसीसी, एनएसएस की ट्रेनिंग और शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। आज 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की जयंती कॉलेज में पूरे सम्मान और श्रद्धा से मनाई गई। आज के समय में गांधी जी के विचारों और दर्शन के महत्व पर चर्चा कॉलेज के सभागार में प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली, सीनियर प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों और कॉलेज के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में हुई। शिक्षा विभाग के सहायक प्रोफेसर जर्रार अहमद ने समारोह का संचालन करते हुए गांधी जी के जीवन और सेवा दर्शन पर प्रकाश डाला। निर्धारित समय पर गांधी जी की प्रतिमा पर प्राचार्य और शिक्षकों की मौजूदगी में माल्यार्पण किया गया। कॉलेज के शिक्षकों सीमा सादे, आशुतोष माहेश्वरी, प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर, प्रोफेसर अलाउद्दीन खान और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद ने गांधी दर्शन और उसकी सामयिक सार्थकता पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने आज के राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचारों और उनके सामयिक महत्व पर चर्चा की। इस समारोह को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की जिम्मेदारी प्रोफेसर आसिफ कमाल जी ने निभाई। प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने अपने अध्यक्षीय भाषण में गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन शैली और देश के प्रति उनके बलिदानों का वर्णन किया। उन्होंने इस अवसर पर सेवा, कर्तव्य और अधिकार के आपसी तालमेल के लिए भी प्रेरित किया। समारोह में कॉलेज के सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के लोग उपस्थित थे। प्राचार्य के अध्यक्षीय भाषण के बाद संचालक महोदय ने इस समारोह के समापन का ऐलान किया। खबरों नजर चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी ने प्रोफेसर मोहम्मद खालिद से बात की और उनके विचारों को प्रसारित किया। हम सभी को, चाहे कोई भी हो, सभी भारतवासियों को गांधी जी के बताए रास्ते पे जो आज भी वायुमंडल दुनिया उस पे चलने की कोशिश कर रही है उसको अपनाना चाहिए। हम लोग जो है इस सिलसिले में ज्यादा कारगर इसलिए हो सकते हैं कि हर टीचर यहाँ पे हर साल कम से कम 200-300 बच्चों को जो है वो मोटिवेट करता है टीचिंग प्रोफेशन में। अगर वो अपने आचरण से, अपने नॉलेज से अगर बच्चों को अहिंसा और गांधी के फिलॉसफी पे थोड़ा मोटिवेट कर देगा तो ये एक चेन बन जाएगी। वो बच्चा अपने गांव जाएगा, अपने साथियों को करेगा और इस तरह से हम कारगर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। रही बात गांधी जी की फिलॉसफी की, तो बहुत सारी जैसे अभी हमारे सीनियर साथियों ने कहा है तो उसमें बोला जाए तो कई दिन तक लगातार जो है उस पर चल सकती है इसकी। लेकिन उनके दो जो है जो बहुत ही मुझे जो इम्प्रेस किया जो है दो फिलॉसफी वो मैं आपको बताऊंगा। 48 से पहले अपनी मौत से पहले एक सिनेरियो अब याद करिए कि इस देश में कितने जंगलात रहे होंगे, कितने पेड़ पौधे रहे होंगे और आज को कंपेयर कर लीजिए। आज गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है एक पेड़ माँ के नाम और पूरा पेड़ लगाइए, 56,000 1,00,000 हर साल पेड़ लगाइए, उसमें हम मॉडल भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि गांधी जी ने आज से 48 से पहले ये कहा था कि पेड़ बचाओ तभी बचो। उनकी कितनी दूरदर्शिता थी, उनको मालूम था कि जो है ठीक है हम सब कुछ कर रहे हैं, सरवाइव करने के लिए क्या है, पेड़ और पानी को बचाना। और उसमें उनका एक कोट था कि ये जो धरती है ये जरूरत तो सभी की पूरी कर सकती है लेकिन महत्वाकांक्षा किसी एक की भी पूरी नहीं होती। और अल्टीमेटली इस महत्वाकांक्षा का अंत क्या होता है उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ।
एपिल के सीईओ सब लोग जानते हैं उनको, ज्यादातर लोग जो मोबाइल भी रखे होंगे, उतना पैसा शायद किसी के पास नहीं। लेकिन मध्य वक्त कुछ मिनट पहले जब उनसे पूछा गया कि आप तो इतने कामयाब इंसान है, आपकी कोई नाकामी है, आपका कोई पछतावा है आपको, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा मैं तो जिंदगी में पैसा छापता रहा लेकिन रिश्ता नहीं बना पाया। तो अल्टीमेटली पैसे का क्या महत्व, हम या पूरी दुनिया जो भाग रही पैसे के पीछे, अपनी माइंड, अपना बल प्रयोग जो भी है उसके पैसे के पीछे भाग रही है, जमीन कब्जा करने के पीछे भाग रही है, उसका अंत क्या है? उसका अंत एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया यही है, हमारे बाद भी दुनिया होगी, हमारे पहले भी दुनिया थी, ये दुनिया रहेगी। तो हम अपनी महत्वाकांक्षा को कम करें, अहिंसा का पालन करें, सत बोले, गांधी जी ने बताए रास्ते पे चले, यही मेरा आज का लिए है। अगर हम ये करेंगे तो कायदे से इम्प्लीमेंट करेंगे, श्रद्धांजलि। थैंक यू। आज का दिन 2 अक्टूबर जाहिर है कि हमारे लिए एक नेशनल डे के तौर पर जाना जाता है, हमारा ये राष्ट्रीय दिवस है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर हमारा कौमी दिन है और इस कौमी दिन की अहमियत पूरे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा है। इस दिन गांधी जी की पैदाइश तो हुई थी, हम इसे गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं। इसी के साथ हम इस दिन को मनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री को भी हम इस दिन याद करते हैं। गांधी जी का दिन है, हम उस दिन को मनाने तो एक रवायती तरीके से नहीं मनाते, बल्कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो गांधी जी का फलसफा है, ट्रूथ का, सच्चाई का और नॉन वायलेंस का, उस फलसफे को हम अपनी जिंदगी में किस तरह से नाफिज करें, किस तरह से हम इसे इसका निफाज करें। हम गांधी जी की पूरी जिंदगी जब हम देखते हैं हिंदुस्तान में, खास तौर से 1916 से लेकर के 1948 तक हम ये देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ गरीबों, कमजोरों और असहायों का साथ दिया और उन्हीं के लिए उन्होंने पूरी आजादी की जंग लड़ी। इसी बात को हम समझते हैं कि जिस तरह से जुल्म और इस्तेहसाल पूरे मुल्क में अंग्रेजों के जो पीरियड था, जिसको हम कॉलोनाइजेशन का पीरियड कहते हैं, कॉलोनिज्म का पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे इंडियन रिसोर्सेज को अपने मुल्क में ले जाने के लिए अवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, चाहे वो नील के किसानों पर जुल्म हो, चाहे शुगर के किसानों पर जुल्म हो, गरीब मजदूरों पर जुल्म हो, या यहाँ के पूरे सिस्टम को कोलैप्स करना रहा हो, पूरे सिस्टम को उन्होंने कोलैप्स कर दिया, इकोनॉमिक सिस्टम को, गांधी जी उसी के खिलाफ हमेशा जिंदगी भर लड़ते रहे कि हम इस सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाना है। और वो जो हमारा पावर ड्रेन या रिसोर्स ड्रेन का पूरा निज़ाम कॉलोनाइजेशन के पीरियड में चल रहा था, उसको रोकना है। और आप देखें कि हर सत्याग्रह उनकी, वहां पर वो गरीबों के साथ थे, गरीबों के लिए थे, चाहे चंपारण की हो, चाहे दांडी मार्च हो, चाहे कलकत्ता में जो उन्होंने 1947 के बाद जो फसाद हुआ था, और कलकत्ता में उन्होंने भूख हड़ताल किया था मुसलमानों के खिलाफ, जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ, ये सारी बातें गांधी जी के इस फलसफे को दिखाती हैं कि गांधी जी हमेशा जुल्म के खिलाफ कमजोरों के साथ खड़े रहे। और उस फलसफा उनका साथ है कि जुल्म के साथ जुल्म नहीं होने देना है, बल्कि जुल्म को हम नॉन वायलेंस से रोकेंगे, जुल्म को हम सच्चाई के साथ रोकेंगे, जुल्म के साथ हम जुल्म नहीं करेंगे। गांधी जी का यह फलसफा था कि जो बुजदिल होता है वो जुल्म करता है, जो ताकतवर होता है वो कभी जुल्म नहीं करता। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम लोगों ने कॉलेज में गांधी जी की जयंती के मौके पर गांधी जी को याद किया। यहाँ पर हमारे तमाम साथी मौजूद थे, हमारा पूरा स्टाफ मौजूद था, खास तौर से इस प्रोग्राम की निजामत के लिए हमारे साथी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जतार अहमद और बीएड डिपार्टमेंट के जो इस प्रोग्राम को पूरा मैनेज कर रहे थे, मुंतजिम थे, आसिफ कमाल साहब, उसके बाद प्रिंसिपल साहब तो खैर मौजूद ही थे। इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए।